हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश जैन और आपके लिए लेकर आया नई ड्रैग रेस। तो गाइस, आज की जो ड्रैग रेस होने वाली है बिटवीन द टू स्कॉडा सिबलिंग्स, तो एक तरफ है स्कॉडा की सेडान जो इस टाइम पे आती है अफोर्डेबल ऑप्शंस में, और आप ये देख सकते हो स्कॉडा का फैन बॉय मैं ये देख रहा हूँ, हाँ, ओनरशिप देख लेंगे भैया भाई हमारा। तू वो मत दे, स्पॉयलर्स मत दे, स्पॉयलर्स के बारे में स्पॉयलर्स मत दे। तो गाइस, स्लाविया वर्सेस कुशाक करने वाले आज हम। स्लाविया की बात करें तो इसके अंदर आता है आपका 1.5 लीटर TSI इंजन विद 6 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स, एंड जो ये पावर प्रोड्यूस करती है डैट इज 150 BHP विद 250 NM ऑफ टॉक। ऊपर से ये सेडान है, एंड दूसरी तरफ जो है ये स्कॉडा कुशाक है। स्कॉडा कुशाक में जो ये आरएफ भाई वाली है स्टेज 1 ट्यून्ड है बाय कोड 6 ऑटोसाइक इंडिया ने करी थी, एंड 1 लीटर TSI इंजन है, मतलब ये 3 सिलेंडर है, ये 4 सिलेंडर है। मोर ओवर इसकी क्यूबिक कैपेसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट 500 cc डाउन है, पर ये स्टेज 1 ट्यून है तो ये पावर स्पेक्स प्रोड्यूस कर रही है 140 BHP एंड उसी के साथ 240 NM ऑफ टॉक। 6 स्पीड मैनुअल दोनों ही है जैसे मैंने आपको पहले बताया। वेट की बात करें तो मेरे ख्याल स्लाविया भारी हो सकती है, रीज़न ये क्योंकि ये 1.5 इंजन है, तो 1.5 इंजन 1.0 से ज़्यादा भारी होता है। पर एडवांटेज की बात करें तो एरोडायनेमिकली एडवांटेज स्लाविया के पास है, पावर वाइज स्लाविया के पास एडवांटेज है। एक डिसएडवांटेज जो स्लाविया के पास है डैट इज़ कि कुशाक में आपको सॉफ्ट लिमिटर नहीं मिलता, तो आप क्लच डंप कर सकते हो और आपका लॉन्च बहुत अग्रेसिव हो जाएगा। ऑन दी स्प्लिट साइड जो स्लाविया है उसके अंदर आपको सॉफ्ट लिमिटर मिलता है, इस वजह से जो लॉन्च होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्रिटिकल हो जाता है, क्रूशियल हो जाता है कि लॉन्च ठीक होगा नहीं होगा, व्हील स्पिन होगा नहीं होगा। तो गाइस पूछते हैं एक बार सारे भाइयों से उन्हें क्या लग रहा है, बट मेरे को पर्सनली स्लाविया एक तरफा लग रही है, इवन दो कुशाक में भी सेम अमाउंट ऑफ पावर है। क्या लग रहा है भाई मेरे को? क्लियर लग रही है सच्ची बताओ स्लाविया ना, स्कॉडा स्लाविया, एरोडायनेमिक भी है, पावर भी ज्यादा है, वो सब तो छोड़ो, बट भाई जो 1.5 MT है ना, TSD वगैरह सब गए बेकार है ना, ये भाई MT नेक्स्ट लीग है यार। बिल्कुल भाई, तुषार भाई बहुत बढ़िया भाई, क्या लग रहा है भाई? देखो स्लाविया लग रही है, बट मेरे को मजा बताओ एक चीज सुन के क्या आ रहा है। क्या? अभी हमने होंडा सिटी वर्सेस स्टेज 2 सिटी वर्सेस स्लाविया की करी है, उसमें स्लाविया जीत गई। तो आरा भाई ना इंट्रो में बताऊं क्या कर रहे हैं आप? क्या गाइस, इसमें ये लगा हुआ है, इसमें ये लगा हुआ है, ये स्टाइल लगा है, ये है, बहाना देना पड़ेगा। अब जब हारूंगा तो मैं बताऊं तो किस वजह से हारूंगा। क्या लग रहा है आशीष भैया? वो भी स्कॉडा ही है भाई। हाँ, दिक्कत ये है ऊपर से वो डील लग रहा है, ये है अतीशे भाई कह रहे हैं असली इंजन नकली इंजन, क्या बोलना चाहोगे इस कमेंट पे? शीशा ऊपर करना चाहूंगा। क्या स्पेक्स रख रहे हो, मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। ट्रैक्शन ऑफ, एसी ऑफ, आइडल स्टार्ट सब ऑफ, ठीक है? चलो जी करा दो फिर 3-2-1 बोल दियो, मैं भी सुन लूं। 3-2-1 हाँ यार, अच्छा लॉन्च है इस गाड़ी का। वही 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 100 पे पार करती है। ब्रेक ले ली भाई ने, जब जीत नहीं सकते तो गिर जाओ। आप सीख रहे हो, चलाओ फिर। गजब बेइज्जती है। ये गाड़ी झटका बहुत ज्यादा लेती है सेकंड गियर के लिए। इस बार थोड़ा लेट करोगे यार तुम। स्लो स्लो यहाँ से कमी उस पे करिए। यार ये ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से झुलती है गाड़ी, है ना? ज्यादा होने की वजह से जैसे तेरी गाड़ी में इतना झूलापन नहीं है भाई, इसमें तो बल्कि शिफ्ट सस्पेंशन है। शिफ्ट तो है पर ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है ना, तो वॉबलीनेस है। दोबारा बोल, वॉबल होती है गाड़ी, जिगल जिगल होती है गाड़ी। भाई वो मैट है ना, अरे नहीं सच्चा पता क्या दिक्कत है, अरे लॉन्च नहीं होता, अग्रेसिव नहीं हुआ था। हां ठीक है,
चल रेडी है, चल तू परफेक्ट लॉन्च दोनों गाड़ी का इनिशियल से आगे भाई। अल्लाह तुम्हारी ओ सॉरी अभी कॉपीराइट आ जाएगा अपनी मुंह से भी आ जाएगा। ये कौन सी जगह का वो है भाई असल भाई, स्पीड देख वन स्पीड का देख नहीं 40 पे रहा हूं पे ड्रैग ओवर नहीं ड्रैग तो 130 पे हो गई थी भाई। अच्छा सॉरी भाई सॉरी माय अपोलॉजी नॉटी हो रहा नॉटी हो रहा यार वो मैट है ना थोड़ा थोड़ा मैट बढ़ने उस मैट से फिर स्पीड बढ़ जाती है क्या? नहीं नहीं कम हो जाती है ना इसलिए वो इसलिए 140 थी वरना तो 170-180 गाड़ी बन। अरे यार ये आइडल स्टार्ट तो बहुत घटिया भाई इसका बहुत घटिया नहीं आपने क्लच गलत से करा झूठ मत बोलो नहीं नहीं कसम से भाई देख सही में बहुत बहुत ज्यादा वो होता है इनका आइडल स्टार्ट स्टॉप सेंसिटिव। हां जी भाई फर्स्ट गियर लॉन्च परफेक्ट हुआ। हां परफेक्ट के बाद जैसे मतलब 4,500 आरपीएम पे थी पूरी बॉक डाउन मार गई कार। अच्छा कोई दिक्कत नहीं आती तब जीतते क्या वैसे? नहीं ऑब्वियसली नहीं जीतता भाई। बस ठीक है फिर बट वॉक डाउन मारिए वो 100-120 तक एक और कर लें एक लास्ट कर लेते हैं एक फाइनल कर लो। हाँ तेरे को हॉर्न देने हैं भाई। हाँ हाँ वो तो ठीक है बहुत डिले लॉन्च नहीं कर दिया आपने थोड़ा सा यार तभी तो कह रहा था मेरे को हॉर्न मत दो तुमने कहा नहीं 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 हॉर्न दे दो भाई प्रोफेशनल ड्राइवर की चीज क्यों फिर आप अबे तो हॉर्न थोड़ी देता प्रोफेशनल ड्राइवर वो तो इंटरनेशनल पे हॉर्न देते हुए सुना किसी को लॉन्च कंट्रोल पे बैठ के हॉर्न दे रहे हैं जीत गए भाई 400 मीटर तो क्या होता है उन्होंने 400 मीटर से पहले गाड़ी साइड उसमें घुसा दी भाई हॉर्न मत दबा भाई हॉर्न मत दबा मेरे से हाँ 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 अच्छा अच्छा ये अच्छा आइडिया दोबारा दे दोबारा करियो क्या कर रहा था अभी ये हमें पहले क्यों नहीं आया आइडिया अच्छे से कर रिदे भाई तू बाहर ही खड़ा था भाई 3-2-1 करा देता अच्छा ले यार अभी शीशा ऊपर चलो चलो भाई रेडी हो जाओ अबे लॉन्च ए अर्ली क्यों करी तूने तूने दो पे गाड़ी उठाई है पहली कह रहा मैं वीडियो में झूठ मत बोलियो यार ये यार भाई कुछ आगे जीत जाए मजा आ जाएगा अच्छे से करना नहीं नहीं जीत गया यार पर सिटी से कम गया भाई तेरी सिटी में कुछ दिक्कत आ रही भाई तेरी सिटी में कुछ दिक्कत आ रही भाई ना ना ठीक तो गैप था भाई भाई वो अनलकी जगह है तेरे लिए और मेरे लिए लकी है मतलब स्लाविया के ओनर साथ बॉक डाउन मारी थी या नहीं मना कर दो नहीं हुई थी रोलिंग कर ले विनर तो वही है रोलिंग कर लेते हैं फिर रोलिंग कर लो एक फाइनल फर्स्ट गियर 20 आप ऑन दे देना ठीक है अच्छे से देना लेकिन इस बार हॉर्न नस्लील लौंडे मैंने क्या बोला हॉर्न बोला है चलो 20 स्पीड तो ले आओ सर स्पीड को दिखा रहे हैं 20 चल अबे ओ भाई अरे भैया मेरे मुंह से निकल गई 110 के बाद ही हम आगे निकलते हैं रोलिंग में भी ब्रेक चलो गाइस रोलिंग भी अपनी 1.5 ही जीत गई ये दिए तूने हाँ थर्ड गियर पे करा मैंने हाँ बस वो कर लो बस एंडिंग कर लो तो गाइस सारे राउंड देख लिए आपने हमारे स्लाविया वर्सेस कुशाक के एंड एज एक्सपेक्टेड भाई मतलब ये है कि ड्रैग का एक क्लियर विनर हमारा निकला नहीं क्योंकि हम चार ही राउंड कर पाए थे एंड चार राउंड में ये था कि दो स्लाविया जीती थी दो कुशाक जीत गई थी स्टार्ट लास्ट राउंड में जो जीते हमारा आधा सेकेंड जंप हो गया था पर उससे भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा फिर आरफ भाई ने बताया कि मेरी गाड़ी पूरी बॉक डाउन हो गई थी इस वजह से वो नहीं हुआ टक्कर नहीं दे पाई कुशाक उससे पहले जब हमारा बिल्कुल ठीक लॉन्च हुआ था तब कुशाक फिर से बॉक डाउन हो गई थी एंड स्टार्टिंग में हमारे लॉन्च में सब हो रहे थे इस वजह से ड्रैग का मतलब यह है कि गाड़ी की बात करोगे तो स्लाविया ही जीतेगी वी नो डैट बट हाँ रोलिंग में जो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे क्योंकि 100 एंड मैं कहूँगा 510 तक कुशाक साथ रहती है
अनलेस अंटिल थर्ड गियर किक इन करता है स्लाविया 1.5 का एंड उसी के बाद वो गैप बनाती है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।